सिनेमा के लाडले खेसारी लाल यादव भोजपुरी की लाडली नेहा श्री जी आज परफॉर्म एक साथ कर रहे हैं, आपके निर्देशन में काम कर रहे हैं, सब क्या कहना चाहिए? हाँ, आपने सही बोला कि भोजपुरी का लाडला खेसारी लाल इसमें अभिनय कर रहे हैं और मेरी दिली इच्छा यही है कि इस फिल्म के बाद नेहा श्री जो नई तो नहीं है, हमारे साथ साजन चले ससुराल में भी काम की है, वो भी भोजपुरी के सबसे चहेते भोजपुरी की लाडली बन जाए, यही शुभकामना है। और हमने अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कैरेक्टर को उस तरह से डिज़ाइन किया जाए, उस तरह से वो परफॉर्मेंस दे ताकि वो वाकई में लाडली बने। बात करें पूरी फिल्म में जिसे लाडला नाम रखा हुआ है और आज एकदम अलग हट के गाने भी हो रहे हैं, रंजीत जी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, नन्हे जी पठा कथा पटकथा संवाद सांसद को प्रोड्यूसर भी हैं, एक टीम है जो कि आपके अंडर में सब काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? नहीं, अंडर में कोई काम नहीं कर रहा, हम लोग साथ काम कर रहे हैं, रंजीत जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, नीलाब जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, सब हम लोग दोस्त हैं, बहुत दिन से परिचित हैं, मित्र हैं। और नन्हे ने वाकई में बहुत अच्छा कहानी लिखा है, कथा पटकथा संवाद सब उसका है और माँ बेटी की इमोशन की कहानी है, इसलिए टाइटल भी लाडला है और साथ में भोजपुरी फिल्म है इसलिए म्यूजिक को तो अनदेखा नहीं किया जा सकता है, तो म्यूजिक को ही मेन पृष्ठभूमि बनाकर एक माँ बेटे की इमोशनल लव स्टोरी हम लोगों ने परोसने की कोशिश किया है, देखते हैं आगे ऑडियंस इसको कितनी सहारती है। आज के गाने की बात करें जो कि जो है कि दर्शकों की जुबान पे आने वाला और जिस राइटर ने लिखा है उसके बारे में जानना चाहेंगे। राइटर एक नया राइटर है, नवयुवक राइटर है अजाज सिंह, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, उन्होंने वाकई में बहुत अच्छा गाना लिखा है और ये गाना निश्चित तौर पे दर्शकों को बहुत भाएगी ये गाना और बहुत लंबे समय तक इस गाने की गूंज सुनाई देगी और इस गाने के बाद मुझे लगता है कि आजाद सिंह का सफ़र बहुत लंबा होगा। बात करें सर जैसे कि खेसारी लाल जी की जो करियर की शुरुआत की पहली फिल्म आपने डायरेक्ट किए थे, आज उनका सिल्वर जुबली फिल्म जो खेसारी लाल जी अभी हैं इस फिल्म से सिल्वर जुबली स्टार बन गए, सुपर स्टार तो हैं, फिर इसमें एक बार आपको डायरेक्शन उनको कर रहे हैं, ये एक संजोग भी कह सकते हैं, मेरा सौभाग्य भी है या सबका एक संजोग ही कहेंगे कि उसकी पहली फिल्म हमारी थी साजन चले ससुराल, उन्होंने तो बहुत 3 सालों में 25 फिल्म का सफ़र तय कर लिया, मैंने भले ही नहीं कर पाया उतना, लेकिन हमारी सौभाग्य है कि 25वां फिल्म भी हम लोग साथ काम कर रहे हैं और इसमें खेसारी जी की सिर्फ एक नायक की भूमिका नहीं है, हर तरफ से वो सपोर्ट कर रहे हैं, फिल्म की मेकिंग से लेकर सपोर्टिंग से लेकर हर तरह का सपोर्ट है उनका, तो उनके तहे दिल से मेरी शुक्रिया अदा है खेसारी को। बात करना चाहेंगे दर्शकों से, क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? इस फिल्म को लेकर यही कहना चाहेंगे कि हमारी मैंने अभी तक जिस तरह की फिल्में बनाई हैं एक पारिवारिक पृष्ठभूमि को अपनाते हुए हमेशा मैंने फिल्म बनाई है, तो उसी टेस्ट की फिल्म है, उसी मूड की फिल्म है और जिस तरह से भैया की साली उरहनिया वाली साजन चले ससुराल देवरा पे मनवा डोले को आदमी ने सहारा है, निश्चित तौर पर ये फिल्म भी उनकी उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी और अच्छा लगेगी फिल्म। खेसारी जी के साथ आपकी तीसरी फिल्म है, नहीं हैट्रिक कह सकते, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी खुशनसीबी है कि स्टार के साथ हमारी तीसरी हैट्रिक फिल्म है ये और इसके लिए सबका प्यार शामिल है। और बात करें जैसे खेसारी जी फिल्म के सुपरस्टार हैं, इस फिल्म के नायक हैं और आप फिल्म में सुपरस्टार हैं ये तो और भी बड़ी खुशकिस्मती है। एक्चुअली ये फिल्म का कॉन्सेप्ट ही वैसा है, इसमें क्या है कि ये सब भोजपुरी फिल्मों से हट के है और इसमें एक मैसेजेबल फिल्म है जिसमें दिखाया गया कि एक सुपरस्टार कैसे नीचे गिरता है और एक आम इंसान कैसे ऊपर उठता है, वो क्या चीज़ें हैं। इसमें बात करें कि जैसे कि इस फिल्म में आप किशन कन्हैया की तरह हैं क्योंकि हर सीन में आपकी हीरोइन चेंज हो जाती है तो बस यही तो हमारी गलती है ताकि मैं सुपरस्टार से नीचे गिरता हूँ और यही गलती खेसारी भाई नहीं करते हैं तो वो एक आम इंसान से सुपरस्टार बनते हैं। बात करें फिल्म की नायिका के बारे में, क्या कहना चाहते हैं? नेहा श्री जो राजस्थान में स्टार है, भोजपुरी में भी अभी लाडला फिल्म से लाडली बन गई है। मेरा कुछ नहीं है, आज इनका आशीर्वाद है जो मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं, तो मैंने सिर्फ मेहनत की है लेकिन रिजल्ट तो इनके हाथ में होता है। मैं एक विद्यार्थी की तरह सिर्फ अपना एग्ज़ाम देता रहा और ये लोग मुझे पास करते रहे, तो मैं कोशिश मेरी यही रहेगी कि ये मेरा होम प्रोडक्शन फिल्म है तो इसमें इनका भरपूर प्यार, जिसमें रंजीत जी हैं, समी जी हैं, आपके नीलाब तिवारी जी हैं, जिन्होंने बहुत सारे मेहनत किया और इस प्रोजेक्ट को खड़ा किया और सारी यूनिट का एक योगदान है, सहयोग है, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे कोऑपरेट किया है कि स्पोर्ट बॉय तक ने मेरा मान सम्मान रखा और जिम के मेहनत कर रहे हैं सब लोग और अच्छा लग रहा है। रंजीत सिंह की बात की जाए तो आपके साथ हैट्रिक कर रहे हैं, तीसरी फिल्म कर रहे हैं। रंजीत सिंह एक मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं और आज सारा चीज़
अब वो संभालते हैं और एक्टर तो कमाल के हैं वो, और अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके। जी हाँ भाई, वो भी एक अच्छा एक्टर में उभर के आए हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे जी उनको भी दुनिया प्यार करेगी, और उनका जिस हिसाब से काम है आप इसलिए दुनिया प्यार करेगी, मुझे लगता है ऐसे। नन्हे पांडे जी कथा पटकथा संवाद सांसद को, नन्हे पांडे पहली बार मेरे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन कमाल का राइटर हैं, जो उन्होंने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है कि मैं कहीं से काट नहीं सकता उसको, और उनका बहुत बड़ा योगदान है इस स्क्रिप्ट में। वो इंसान, वो लड़का कम से कम 6 महीने इस स्क्रिप्ट पे बैठकर और बहुत ज़्यादा वर्क किया है, जो मैंने अपनी लाइफ के बारे में बताया था, जो मैं स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा था, तो मैंने सारी चीज़ों को रखा उस लड़के के पास, और उसने उस कहानी को इतने अच्छे से लिख दिया है कि मैं उसमें काट नहीं सकता, और कोई नहीं काट सकता, डायरेक्टर भी नहीं काटे हैं उसको, एक शब्द के भी नहीं काट पाए हैं, जो इतने टैलेंटेड लोग मेरे साथ हैं, तो अब इस लोगों का प्यार मुझे मिलेगा। नेहा जी की बात करें, पहली फिल्म और नेहा, हाँ नेहा एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, उसको टाइम कम मिला है काम करने के, लेकिन आज वो बहुत अच्छा कर रही है, मैंने मुझे मेरे विश्वास से कहीं ज़्यादा कर रही है। तो इस फिल्म में जितने भी लोग हैं सब अपना 100 से 110% सब लोग काम कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। प्रिमांशु जी के बारे में, प्रिमांशु जी तो एक हमारे मेरे गार्जियन है, क्योंकि उन्होंने पहली फिल्म मेरे साथ किया था, उन्होंने इस मुकाम तक पहुँचाने में बहुत ज़्यादा योगदान किया प्रिमांशु जी ने, और मैं उनका एहसान कभी नहीं भूल सकता, आलोक सिंह का एहसान नहीं भूल सकता, विकास जी, जो सब लोग हैं जो मेरे जीवन के एक रक्षक हैं और मेरे डिसीजन में हमेशा वो लोग साथ रहते हैं, और मैं कुछ भी करता हूं तो एक जिसको मैं मानता हूं उससे डिसीजन लेता हूं, और मेरे लिए तो सबसे बड़ा डिसीजन पब्लिक का होता है, इनका इनके दिल की बातों का अगर मैं जानने में सक्षम हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि मैं इनकी दिल की बात की सुनूंगा तभी ये मेरे फिल्मों को देखेंगे और सुनेंगे। चलते चलते बात करें, 15 अगस्त आज़ादी का दिन है, क्या कहना चाहेंगे? मैं 15 अगस्त के लिए इस चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे श्रोता हैं, जितने भी हमारे इस इंडियन हैं, जितने भी हमारे भारतवासी हैं, जितने भी सारे भाषाओं के जितने भी सुनते हैं सब लोग, मैं चाहूँगा कि स्वतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ और 15 अगस्त का ढेर सारा बधाई, ढेर सारा उपहार। Thank you.
आज मेरी लाडला फिल्म का गाना शूट हो रहा है, बहुत अच्छा रोमांटिक सॉन्ग है और बहुत अच्छा लग रहा है। मुंबई में मैं आई हूँ राजस्थान से यहाँ पे शूट करने के लिए और बहुत अच्छा है, फिल्म का टाइटल बहुत अच्छा है लाडला, सब लोग लाडला बोल रहे हैं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सेट पे जैसे मैं सबकी लाडली बन के काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है मुझे, मीडिया का भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है और पूरी यूनिट बहुत मुझे प्यार कर रही है। खेसारी जी के साथ आप पहली फिल्म के बाद उनकी सिल्वर जुबली फिल्म में एक साथ नजर आ रहे हैं, कैसा कमेंट? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। खेसारी जी का फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि नेहा मेरी फिल्म है और 25वीं फिल्म है, मैं चाहता हूँ कि साथ में काम हो, तो मुझे भी लगा कि हाँ हमारी पहली फिल्म इतनी हिट रही थी तो उसमें उसके बाद हम काम नहीं कर पाए, 25वीं फिल्म में हमें मौका मिला काम करने का। बहुत अच्छा लग रहा है, खेसारी जी बहुत अच्छी नेचर के हैं और मेरे तो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। हाँ जी, रंजीत जी मेरी फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और ऑल्सो मेरी फिल्म में भाई का करेक्टर प्ले कर रहे हैं, मतलब हीरो है वो भी इस फिल्म में, और बहुत अच्छे हैं। उनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। नन्हे जी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है, एक फिल्म के राइटर से ही सब कुछ होता है, फिल्म की कहानी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा और नन्हे जी ने बहुत प्यारे ढंग से इसको पिरोया है, तो सबका थैंक्स कि इतनी अच्छी फिल्म हम लोग कर रहे हैं, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। और क्या बात करें इसमें प्रिमांशु जी जो फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रिमांशु जी के साथ मेरी सेकंड फिल्म है और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ मैं, सेम जैसे खेसारी जी है उनके साथ, हम दोनों की खेसारी और मेरी पहली फिल्म थी और अभी अब प्रिमांशु जी है साथ में, बहुत अच्छा लग रहा है काम करके, बहुत कॉपरेटिव है, बहुत अच्छे से मुझे समझाते हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। उन्होंने मेरे को नया गेटअप दिया है, फर्स्ट टाइम मैं आप सबको मॉडर्न गेटअप में दिखने वाली हूँ, नहीं तो हमेशा आप लोगों ने मुझे राजस्थानी ज्वेलरी और इन सब के साथ देखा होगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है काम करके, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। हाँ जी बिल्कुल, आलोक जी का आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे है, संयोगिता फिल्म्स ने मुझे जितना प्यार मिला शायद ही आज तक किसी ने मुझे दिया है और मैं रियली बहुत शुक्रगुजार हूँ उन लोगों की जिन्होंने मुझे अपनाया, मुझे आज इस मुकाम तक लाके खड़ा किया। मैं यही कहना चाहूँगी कि 15 अगस्त अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, मेरा तो 15 अगस्त शूटिंग पे जाने वाला है, लेकिन मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और दिल से दुआ करती हूँ कि जैसे 15 अगस्त पे सब आज़ादी का दिन मनाते हैं और जो बॉर्डर पे हमारे भाई लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी मैं यही दुआ करूँगी कि अच्छे से वो लोग करें और मेरा प्यार और सपोर्ट हमेशा सबके साथ रहेगा और आप लोगों का आशीर्वाद भी मुझे देते रहिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।